रबी इसमें से के नाम है मेरा आप सबको जय मसीह की। सब जानते हैं कि मैं शेयर कर रही हूँ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स ऑफ बाइबल। ऐसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है शेयर करने के लिए, लेकिन ये मैंने कुछ शॉर्टकट में आपके सामने प्रूफ दिए हैं। बाइबल से रिलेटेड स्टोरीज और घटनाओं के आज भी दुनिया में प्रूफ हम देख सकते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल टॉपिक का आखिरी पार्ट होगा। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट साइंटिफिक फैक्ट्स ऑफ बाइबल। मैं आपके सामने पढ़ूंगी Mark 5:20 मरकुस की इंजील 5:20 आयत। मैं जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगे कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं और सब लोग अचंभा करते थे। इसमें एक नाम आता है दिकापुलिस, जिसे इंग्लिश में दिकापुलिस कहा गया। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है 10 सिटीज, शहर के बहुत। आज भी हम देख सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को ये पूरा शहर मिला है। ये वो शहर है जो बाइबल के अंदर मेंशन है। शहर में बहुत से ऐसे प्रूफ मिले, डिस्कवरीज हुई है, जिसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसकी स्पेशल बुक्स है जिसे आप डीप स्टडी कर सकते। अगर आप पढ़े Acts 19:27 उसके अंदर एक नाम आता है डायना। ये सेम नाम बाप के 35 वर्स में भी आता है। ये वो देवी थी जिसे उस टाइम के लोग पूजते थे। सो इस गॉडेस डायना का स्टैचू मिला, हिरण के ऐसे कॉइन भी मिले जिनके ऊपर इसकी शक्ल उभरी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी छोटी छोटी डिटेल्स जो बाइबल के अंदर है कि लोगों को कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ता था उस टाइम के। ये लोग जो इन देवी देवताओं की पूजा करते थे, उन्होंने बहुत सारा विरोध किया यीशु मसीह के शिगिर्दों का। ये तो वो बातें हैं, घटनाएं हैं जो उस टाइम में उनकी जिंदगी में हुई। इसलिए इन देवी देवताओं के नाम बाइबल में मेंशन, बाइबल की दी हुई इंफॉर्मेशन एब्सोल्युटली 100% राइट है। इस तरह से बहुत ऐसी डिस्कवरीज हुई हैं जो बाइबल के वचन को सपोर्ट करती है। मिशनों के अंदर ही बहुत ऐसी डिस्कवरीज हुई है यीशु को, यीशु के कामों को ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट को सपोर्ट करती है, जिनका मैंने जिक्र ही नहीं किया पूरी तरह से। जिनके अंदर ऐसे सिक्के मिले हैं, शक्ल मिले हैं, जिनके ऊपर नाम लिखा हुआ है यरूशलम या यरूशलम होली सिटी है ऐसा लिखा हुआ मिला। और ऐसी गोल्ड बेल्स मिले जो हाई प्रीस्ट के गारमेंट पे लगी होती थी। तो बाइबल रिसर्चर्स जब सेरेमनी होती थी फेस्टिवल के दौरान, सेरेमनी के दौरान जब वो चलते थे तो उनके गारमेंट्स बेल्स की आवाज आती थी। टोटल 71 बेल्स उनके गारमेंट्स के ऊपर लगी होती थी। और ऐसा बाइबल में भी लिखा हुआ है, क्योंकि इससे ये पता चलता था कि वो आ रहे हैं, उनके आने की आवाज उनको सुनती होगी। तो ये आवाज कितनी खूबसूरत लगती होगी। एक बैल का पीस उनको डिस्कवरी के दौरान मिला है। अभी मैं बात करूंगी प्रभु यीशु मसीह के ग्रेव के बारे में, जहां प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया था। Mark 15:22 में ऐसा लिखा है, वह यीशु को गुलगुता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। गुलगुता एक अरमिक नेम है जिसका मतलब है स्कल, खोपड़ी, जिसे कलवरी भी कहा जाता है या कैलवरी। अगर आप गॉस्पल John 19:20 में पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, ये दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। जब यीशु मसीह सलीब पर नगर के बाहर चढ़ाया गया था, पढ़े Hebrews 13 उसका 12, तो उसमें भी ये लिखा हुआ है, यीशु ने फाटक के बाहर दुख उठाया। तो इसका मतलब ये है कि यीशु को क्रूसीफाई किया गया आउटसाइड द सिटी। यीशु के टाइम की जो सिटी थी कम्प्लीटली वाइप ऑफ हो गई बाय द सेकंड सेंचुरी। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता। किस जगह पर बहुत सी बैटल हुई, बहुत सारी ऐसी जगह जो यीशु के टाइम में एग्जिस्ट करती थी नीचे दब गई, उन जगहों के ऊपर नए शहर खड़े कर दिए गए। 1867 आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी टोम मिली जो किसी बहुत रिच आदमी की थी। स्टोन को काट कर बनाई गई, इसमें 2 chambers हैं। जब अंदर जाकर उसे देखा गया तो वहाँ से बहुत ऐसे सबूत मिले, से ये पता चले कि एक बेंजेंटाइन क्रिश्चियन वहाँ पर वर्शिप करते थे। मतलब ये टोम वर्शिप प्लेस के लिए भी यूज की गई थी। इसमें एक चैम्बर ऐसा था जो बॉडी प्रेपरेशन के लिए था, आफ्टर प्रेपरेशन दूसरे चैम्बर में दफनाया जाता था। और फिर दीवार के ऊपर एक खुदी हुई क्रॉस है, जिसे बाद में उन्होंने थोड़ा सा पेंट कर दिया है, क्योंकि वैसे बहुत मुश्किल था उसे देखना। उस क्रॉस के लेफ्ट टॉप पर लिखा है यीशुसस, मतलब जीसस या यीशु, और राइट साइड टॉप पर क्रिस्टोस लिखा है, मतलब क्राइस्ट, और ये ग्रीक में लिखा हुआ है। नीचे वाली साइड पे अल्फा एंड ओमेगा लिखा हुआ है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, जो आप पढ़ सकते हैं Revelation 1:8 में। मतलब प्रभु यीशु मसीह शुरू और अंत है। इतनी बड़ी ताकत वो होल्ड करता है, इतना वो पावरफुल है। ये टोम यीशु के क्रूसिफिक्शन से पहले की बिल्ड हुई थी। टोम की लोकेशन और उसके अंदर जो सबूत मिले वो बिल्कुल बाइबल की बातों के साथ मैच करते हैं। ऐसा बाइबल में बताया गया कि वो जगह कहाँ थी और कैसी थी, क्योंकि बाइबल में बताती है कि ये टोम नई थी और रिच पर्सन की थी। ये टोम एक्जेक्टली बाइबल की बताई हुई इन्फॉर्मेशन के साथ मैच करती है। ये टोम एम्प्टी है,
खाली है, जो ये बताती है कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। He is not dead, he is alive। ये टोम खाली है और ये एक बहुत बड़ा सबूत है। हजारों लोग इसे हर साल देखने के लिए जाते हैं। तो यीशु मसीह जिंदा है, आज भी मौका है यीशु के पास आएं, क्योंकि वो ही जिंदगी का रास्ता है। उसके बिना कोई और रास्ता नहीं है। खुदावंद का वचन जो बाइबल है वो हमें ऐसा बताती है। मिलियंस बिब्लिकल आर्कियोलॉजिकल सबूतों में से मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया है। कौन ये कह सकता है कि बाइबल के अंदर बताई हुई बातों का सबूत नहीं है? हर तरह के सबूत आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, जो दुनिया की अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं। मिलियंस के हिसाब से मैनुस्क्रिप्ट किताबें जिनके अंदर खुदावंद का वचन लिखा गया, जो फर्स्ट और सेकंड बीसी से भी पहले लिखी गई, और लाखों के हिसाब से ऐसे मैनुस्क्रिप्ट्स और किताब डिस्क्रिप्शन यीशु के आसमान में जाने के बाद अराउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेंचुरी एडी में लिखे गए, खुदावंद के वचन को सपोर्ट करते हैं। मैं उनकी बातें नहीं कर रही फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी के बाद लिखे, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो यीशु के जाने के बाद बिफोर थर्ड सेंचुरी में लिखे गए। हजारों के हिसाब से ऐसी जगहें, स्टैचूस, पॉटरीज, दुनिया भर के ट्रेजर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स यीशु के बारे में बोलते, जो बाइबल के बारे में बोलते, जो कलाम के बारे में बोलते, जो डिसाइपल के कामों के बारे में बोलते, आर्कियोलॉजिस्ट डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने क्लियरली बाइबल को सपोर्ट करते हैं। फाइनली मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाइबल के भी आर्कियोलॉजिकल सबूत हैं। ये मैं उनको कह रही हूँ जो ये कहते हैं कि इसका कोई सबूत नहीं। बाइबल के सबूत भी हैं और राइट सबूत हैं, वेल स्टडी किए गए हैं, हाईली इंटेलिजेंट और एजुकेटेड लोगों ने स्टडी किया है और प्रूव किया है। ये कोई बिना पढ़ाई के स्कॉलर नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी जो दुनिया की यूनिवर्सिटी है, उनके लीडर्स हैं, उनके प्रोफेसर हैं। बाइबल कोई आम सी किताब नहीं, बाइबल दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली स्टडी की हुई किताब है, और ये डिवाइन पावर होल्ड करती है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।